आदाब पसमंजर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वजात बुखारी और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से जहां पुंछ में एक सेमिनार का अहतमाम किया गया जिसमें देश की जानी मानी हस्तियां आज शामिल हुई। वजाहत हबीबुल्ला, वहीं कश्मीर की बेटी नईमा अहमद महजूर और पुंछ की एक जानी मानी शख्सियत मसूद चौधरी जो आज के इस सेमिनार में शामिल हुए, जिसका उन्वान रखा गया था पैंग्स ऑफ पार्टीशन एंड एजुकेशन। और मेरे साथ ही एक ऐसे फाउंडेशन के बैनर तले एक ऐसे सेमिनार का इनकार करा पाए और हम कुछ ऐसी शख्सियात को बुला पाए जिन्हें पुंछ के लोग शायद कई बरसा बरस से सुनना चाहते थे। मैं वजाहत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने इतने मसरूफ शेड्यूल से वक्त निकाला और आप हमारे बीच आज मौजूद हैं। मैं यहां भी रह चुका हूं, कश्मीर में 1990 में कमिश्नर होते हुए जब वहां हालात बहुत बुरी तरह से बिगड़ गए थे, उसका भी तजुर्बा है मेरे साथ। साथ साथ मैं रहा हूं मरकज में, वजीर आजम के दफ्तर में। एक वजीर आजम जो थी वो तो खालिस कश्मीरी भी थी, इंदिरा गांधी, और वो अपने को बहुत कश्मीरी मानती थी। और उसके बाद मैं एथलेटिक कमीशन का भी सदर रहा हूं। तो इन सब में इसके तासरात बंटवारे और उनके आज तक जो नतायज नजर आते हैं उसके बारे में मैं ज्यादा तफसील से नहीं, क्योंकि आपके पास ज्यादा इतना वक्त नहीं होगा, लेकिन मुख्तसर तौर पे कोशिश करूंगा कि बात करें। बंटवारा विदेश का हुआ, मेरे खिलाफ मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं जिंदगी भर इसके बारे में सोच विचार करने के बाद कि ये एक इस देश के लिए बहुत ही बड़ी भारी गलती है। और ये जान के मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने इसको असलियत दी, चाहे वो मुस्लिम लीग के लीडरान थे खासतौर से मोहम्मद अली जिन्ना या कांग्रेस के लीडरान जिनके जिन्हें हुकूमत बनाया या फिर अंग्रेज, उनको एहसास नहीं था कि इसका नतीजा क्या होगा और न ही उनको समझ था इस बात की थी कि हिंदुस्तान है क्या। हिंदुस्तान यूरोप के देशों के लिए तो जैसा एक देश नहीं था, जैसे कहा भी गया कि यूरोप में लोग मानते थे कि उनका देश वैसा है जिसमें एक मजहब के लोग होते हों, एक जबान के लोग होते हों, एक सहावत के लोग होते हों। हिंदुस्तान में न तब न आज ऐसी एकता है और न ही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कभी ऐसा हो, क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती यह है इसमें जैसे मुख्तलिफ एक बाग में जैसे मुख्तलिफ फूल खिलते हैं, उसी तरह से इस बाग में जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा अपने सारे जहां से अच्छा है, इसमें हर एक प्रकार की हर एक किस्म के फूल खिलते हैं। हो सकता है और है इसमें इख्तलाफ भी है, कोई एक जैसी चीज आपको मिले नहीं। अगर एक हिस्से ने मौसीकी का बहुत एहतराम है, दूसरे हिस्से ने खत्म किताबत का ज्यादा एहतराम है, अगर एक हिस्से में चावल उगाया जाता है दूसरे हिस्से में गेहूं उगाया जाता है, मौसीकी में देख लीजिए
एक हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी है, कर्नाटक यूनिवर्सिटी है, खाने को देख लीजिए, एक जैसा कोई खाना है ये? क्या यही जोरसा खाना है हिंदुस्तान का? नहीं। क्या नान टिक्का है हिंदुस्तान का खाना? नहीं। लेकिन हाँ, नहीं भी है। यहां जबानें कितनी बोली जाती है? अंग्रेजी जबान है जो बाहर से आई। मैं कह सकता हूं कि मेरी जबान अंग्रेजी। कोई और कहेगा कि तमिल के बजाय वो कुछ समझ नहीं सकते हैं, तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में जो फर्क है वही इस देश की ताकत है।